What's up guys, welcome back to my channel, welcome to the gameplay of Red Dead Redemption 2. लास्ट एपिसोड में हम लोग बचते बचाते बर्फीले तूफान से बच गए, हम लोग ओल्ड रिस्कल बॉयज से बच गए, हम लोग बचते बचाते एक जगह पहुंचे हैं जहां पे हम लोगों ने अपना एक कैंप सेटअप किया है पूरे ग्रुप ने। डच जो कि ग्रुप का लीडर है, आर्थर जो कि मेन राइट हैंड है डच का, वेंडरलिंडे गैंग है ये, डच के नाम पर है ये गैंग। ओके, हम लोग पहुंच गए हैं कॉल्टर में, कॉल्टर है उस जगह का नाम जहां पे हम लोग अभी स्टे कर रहे हैं। बट हमारी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, हमारे पास फूड नहीं है, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिनको हमें फूड सप्लाई करना है बट हमारे पास फूड नहीं है, और हमारे कई सारी साथी जो हैं वो भी जगह जगह फंसे हुए हैं। जैसे कि हमने लास्ट टाइम जॉन को बचाया था, जॉन जो कि एक बर्फीले तूफान में फंस गया था पहाड़ी पे जा करके, हम उसे बचा करके लेकर के आए गाइज। तो अब हम शुरू करते हैं अपना नया एपिसोड और देखते हैं क्या क्या एडवेंचर हमें करने हैं एज एन आर्थर मॉर्गन। तो ये हमारा मिशन है, हमने दो मिशन किए, आउटलॉज फ्रॉम द वेस्ट एंड एंटर परस्यूड बाय द मेमोरी। एंटर परस्यूड बाय द मेमोरी में हमने जॉन को बचाया, आउटलॉज फ्रॉम द वेस्ट में हम लोगों ने कॉल्टर जो कि जगह है जहां पे हम रुके थे वहां पे जाकर के हम लोगों ने उस जगह को ढूंढा, और वहां पे भी हमने एक लेडी को बचाया ओड्रिस्कल बॉयज से जो कि अब हमारे ही कैंप में है। बट हमारे पास खाना पीना कुछ भी नहीं है इस बर्फीले तूफान में, तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि हम कुछ खाना पीना ढूंढे अपने ग्रुप के लिए जिसमें बच्चे भी हैं विमेन भी हैं और उन्हें फीड कर सकें हम, क्योंकि ये तूफान में भूख बहुत लगती है गाइस, ठंड में भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो चलो अब हम वहीं जा रहे हैं, हमारे कुछ मिशंस हैं जिसमें हमें खाना ढूंढने को मिलेगा। इस बर्फीले तूफान में ढूंढना भी बहुत मुश्किल है कि कहाँ क्या मिलता है हमें। ओके चलो अब हम चलते हैं, हमारे मैप में दिख गया है हमको। हमारे कैंप में एक कुक है, हम उसी के पास जा रहे हैं, उससे बात करते हैं, देखते हैं खाने के लिए कुछ है क्या। We're gonna starve to death up here, Mr. Morgan. कुछ भी नहीं है खाने के लिए भाई। पियर्सन नाम है इस बंदे का जो कि कुक है हमारा। ओके हमारे मिशन का नाम है द आफ्टरमैथ ऑफ जेनेसिस। सिर्फ 10-12 लोगों के लिए खाना है, वो भी पूरा नहीं है। पियर्सन नेवी में था। एंड यू अनफॉर्चूनेटली सरवाइव्ड व्हेन वी रैन अवे फ्रॉम ब्लैकवाटर। आई वाजंट एबल टू गेट सप्लाइज इन। Well, when government agents are hunting you down, sometimes shopping trips need to be cut short. आर्थर बता रहा है इसे कि भाई बहुत मुश्किल हो गया हमारे लिए, ब्लैकवाटर से हम लोग भाग आए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हमारे पीछे हैं, तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है खाना अरेंज करना। कुछ लोग खाना ढूंढने के लिए गए थे लेकिन वो भी कुछ फाइंड आउट नहीं कर पाए। खाने के वांदे पड़ गए हैं इस ग्रुप के पास, वेंडरलिंडे गैंग के पास। अब देखो क्या करते हैं ये। पियर्सन कह रहा है मेरे पास सिर्फ यही है, असॉर्टेड साल्टेड ओफल्स। अरे भाई कह रहा है कुछ ढूंढ के लाओ फटाफट, तो काफी कुछ हमारे पास हो जाएगा, कुछ खाने को मिल जाएगा हमें। चार्ल्स की हालत ठीक नहीं है, उसके हाथ में इंजरी हो रखी है, वो कह रहे हैं अगर खाना नहीं मिला तो मैं कैसे रिकवर करूंगा। चलो भाई चलते हैं अब। चार्ल्स और आर्थर मॉर्गन चल पड़े हैं, बो दे दिया है चार्ल्स ने आर्थर को, कह रहा है मैं तो इसे यूज नहीं कर पाऊंगा। आर्थर तू इसे ले ले और तुझे यूज करना पड़ेगा भाई। चलो फॉलो चार्ल्स। 22 एरोज हैं हमारे पास और कुछ खाने के लिए सामान दिया है पियर्सन ने, वो है मैच स्पीड विद ए कंपेनियन बाय होल्डिंग एंड टैपिंग एक्स विद राइडिंग इन देम, योर हॉर्स स्टैमिना विल नॉट ड्रेन व्हाइल मैचिंग देयर स्पीड। गुड, स्टैमिना बहुत लेता है यार ये, अच्छा है ये।
इन्होंने सेट कर दिया है, साथ में चलेंगे तो स्टैमिना नहीं लेगा, आराम से हम लोग जाएंगे बिना किसी टेंशन के। और ड्रिस्कल बॉयज ने इनको भगा दिया था, इनका लड़ाई चलती रहती है और ड्रिस्कल गैंग से। हायर ग्राउंड पे जाना पड़ेगा कुछ फाइंड आउट करने के लिए। ब्लैक वाटर से भाग गए थे ये लोग, वही बात करते रहते हैं, पुरानी बातें। डन मोर, I still don't really know what happened on that boat. Me neither. Well, Javier told me a bit, but boat pe kuch ho gaya tha past mein. Wow. Kya nazara hai bhai. Zabardast. Barfila toofan. Toofan to nahi hai abhi. लेकिन सब तरफ बर्फ ही बर्फ है और घोड़े पे जा रहे हैं ये लोग खाना ढूंढने के लिए। वाव, बहुत ही अच्छे ग्राफिक्स हैं इस गेम के, और मुझे तो स्टोरी भी बहुत ही पसंद आई। काफी स्लो स्टोरी है, धीरे धीरे आगे बढ़ती है, इंटरेस्ट पूरा बना रहता है स्टोरी में। चलो भाई, इनको जगह मिल गई है। लेट्स लुक डाउन दिस वे। ओके, यहाँ विंड भी नहीं है। लगता है कुछ है सामने। Hey, stop here a second. रुकने के लिए बोल रहा है, कुछ दिखाई दिया इसे। ट्रैक्स मिले हैं इसे। ओहो हो हो, डियर है हमारे पास, हिरन मिल गया है हमको यहाँ पर। अरे भाई मजे ही आ गए, हिरन का शिकार करेंगे अब हम काउबॉय स्टाइल में। A gun will scare everything around. हमको बो लेना पड़ेगा, इन्वेंट्री में होगा हमारी, चेक करते हैं हम। दिख तो नहीं रहा हमें। सेलेक्ट लॉन्ग आर्म्स विद आर एंड यूज L2 और R2 टू सेलेक्ट बो। ओके, हम ऊपर ही ढूंढ रहे थे, हमको नीचे आना पड़ेगा लगता है। ओके, चलो यहाँ देखते हैं, ये ब्लिंक कर रहा था। हाँ, ये रहा, मिल गया हमें बो। चलो भाई, ले लिया हमने बो। हंट फॉर डियर, यू विल मेक लेस नॉइस व्हेन क्राउच्ड, प्रेस L3 टू क्राउच। ओके चलो भाई, कहीं दिख रहा है क्या? Maybe not. Focus. Plus L3 and R3 to activate Eagle Eye. Okay. हमने एक्टिवेट कर दिया। Focus on the tracks. हमको तो कहीं भी ट्रैक नहीं दिख रहे यार। वो रहे। Okay. चलो अब हमें उसके पीछे चलना है। हमको उसके ट्रैक्स मिल गए हैं। जल्दी ही हमें डियर भी मिल जाएगा। यो, फोकस ऑन द ट्रैक, ट्रैक्स आर हाइलाइटेड ऑन द ग्राउंड आफ्टर फोकसिंग ऑन देम, दे रिमेन हाइलाइटेड अंटिल द बार इन द लोअर राइट कॉर्नर एम्प्टीज। ओके, ये जो हमारा बार आ रहा है जिसमें स्टॉप ट्रैकिंग आ रहा है, यहाँ पे वो पूरा दिखता है। ओके, वो रहा ट्रैक। योर सेंट इज ऑल्सो शोन इन द ईगल आई, ब्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड, एनिमल्स विल फ्ली इफ दे स्मेल योर सेंट, सो रिमेन डाउन विंड
ओ भाई साहब, क्या टेक्निकलिटी दी है इन्होंने! बिल्कुल एग्जैक्टली जैसा होता है। चलो, अभी तक तो हमें कोई एनिमल दिखाई नहीं है। There they are. L22 रेडी द एरो, दिख गया हमें भाई, दिख गया। हिरन वहां पानी पी रहा है नदी के किनारे। होल्ड R2 टू ड्रॉ द स्ट्रिंग। ओके, सेट कर दिया हमने। यस, एक और डियर लेना पड़ेगा हमें, एक से काम नहीं चलेगा। अट्रैक्ट एन एनिमल्स अटेंशन बाय सेलेक्टिंग कॉल वाइल एमिंग एट इट। दिस विल गिव यू अ चांस ऑफ ए क्लीन किल एज दे रेज देयर हेड बिफोर फ्लीइंग। अच्छा, बट ये तो ऐसे ही मर रहे हैं, हमको क्या जरूरत है उसकी? चलो भाई, चल के देखते हैं इसे। ये तो यहाँ लुढ़क गया है। ओके, ये रहा हमारा शिकार, हमारा पहला शिकार रेड डेड रिडेम्पशन 2 के अंदर। चलो, अब हमें एक और एनिमल ढूंढना है। हमको सेंट मिल गई है उसकी, नहीं, हमें उसके ट्रैकिंग लोकेशन मिल गई है। सेंट तो उसे मिलेगी, हमें तो उसकी ट्रैक्स मिल गए हैं। ये जा रहे हैं उसके ट्रैक। ओके, अब हमें इसी को फॉलो करना है। ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए वो एनिमल, बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा है हमको उसको पहुंचने में, उस तक पहुंचने में। नदी के किनारे पानी पीने आते हैं जानवर, ये तो चार्ल्स है, हमारे साथ ही है। चलो, यहाँ दिखा रहा है हमें। ओके, लेट्स मूव। दिख गया हमें, वो रहा डियर वहां पर, जबरदस्त। बहुत दूर हैं अभी हम। When close, study an animal to discover information on it and its quality. Pelt quality is reduced with average or poor kills. Oh, भाई साहब, ओके, हमको अच्छा शॉट मारना पड़ेगा यहाँ पर। थोड़ा पास चलते हैं उसके। ओके, आई थिंक अब हम रेंज में हैं, यहाँ से तो हम उसे वन शॉट किल कर देंगे आराम से। ये गया, व्हाट? अरे वो तो भाग रहा है, लेकिन वो लुढ़क रहा था भाई, मतलब उसको तीर तो लग गया है हमारा। आराम से चलते हैं, देखते हैं, पास में ही है। ये रहा, चलो भाई, तीर तो हमारा सही निशाने पे लग गया था। भागने की कोशिश कर रहा है, फटाफट से इसको खत्म कर देते हैं हम। यस, चलो अब इसे उठा लेते हैं। ओके, कंपेंडियम हमारा अपडेट हो गया है, उसमें एक एनिमल आ गया है नया, डियर। ओके, व्हाइट टेल डियर है ये। ऑलराइट, ओके, ठीक है। अभी हमने एक ही एनिमल फाइंड आउट किया है। 178 एनिमल्स हैं। हम अपने हॉर्स को विसल करके बुला सकते हैं। चलो, respond to your calls as long as it is in the range, continue to bond with the horse to increase the distance at which it responds to your whistling. Okay, ज़्यादा दूर होगा तो हमको थोड़ा पास जाके करना पड़ेगा। चलो, हमारा हॉर्स आ गया है फाइनली। ये
ये तो आसान था यार, हमने फटाफट से दो एनिमल हमारे कैप्चर कर लिए हैं, अब हमारे पास खाने के लिए बहुत कुछ हो गया है। चलो इसको रख देते हैं हॉर्स के पीछे। ये ले भाई, बैठ जा तू यहाँ पर। अब हम चलते हैं वापस अपने कैंप पर, मीट अप विद चार्ल्स। पहले चार्ल्स से मिलते हैं। चलो एक डियर चार्ल्स ले लेगा, एक डियर हमने ले लिया। यस, चार्ल्स भी रेडी है। अब हम वापस चलते हैं, चार्ल्स को फॉलो करते हैं। फटाफट हम चार्ल्स के साथ हो जाते हैं। एनिमल कार्कास कैन बी ड्रॉप्ड ऑफ टू पियर्सन एट दिस टू कंट्रीब्यूट टू गैंग सप्लाइज। ऑलराइट, काफी ज्यादा मीट मिल गया है हमको यहाँ पर। ऑफ कोर्स खाना मिल गया है। चलो, बंदे खुश हो गए, चार्ल्स भी खुश हो गए, आर्थर भी खुश हो गया है, कह रहा है चलो भाई हमको कुछ खाने को मिल गया है, अच्छा है, अब हम जो है मिल करके खाना खा सकते हैं और हमारा कैंप में कोई भी भूखा नहीं मरेगा। अब हमने काफी ज्यादा क्वांटिटी में फूड अब हमारे पास आ गया है। ओके, डच एंड होजे, पियर्सन के पास एक बॉटल है, क्रम्ब ऑफ फूड। पियर्सन को बोल रहे हैं ब्लैक वाटर से निकलते हुए कुछ भी नहीं लेके आया। ये उसी गर्ल की बात कर रहे हैं जिन्होंने इसे बचाया था लास्ट एपिसोड में, ओड्रिस्कल बॉयज से। उसके हस्बैंड को उन्होंने मार दिया था, कह रहे हैं कि वो खाएगी या नहीं कुछ भी पता नहीं हमें। आई थिंक अभी भी वो दुखी है। What is it with the O'Driscolls? You ain't dealt with them? I suppose. Hell, we ain't run into them much the last 6 months. 6 महीने से इनका सामना नहीं हुआ O'Driscoll से। Last episode में first time था जो इनका सामना हुआ है। Well, okay. We've been scrapping over scores with them for years. Big gang. Nasty sons of bitches. काफी बड़ा गैंग है O'Driscoll। कॉल्म उसका लीडर है। कॉल्म और डच जो है दोनों पहले साथ में थे, बट बाद में दोनों में झगड़ा हो गया। ओके, अरे भाई बातों बातों में पता ही नहीं चला सामने भालू है, एक बैर मिला है हमको सामने। ओके, हमें बच के रहना पड़ेगा, बहुत ही भूखा है वो। 6 महीने की स्लीप से जागा है वो, विंटर्स की स्लीप में था, अब जागा है, बहुत ही भूखा है, हमको दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अभी हम लोग इतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है कि जाकर के सीधा भालू से लड़ सकें, और हमारे पास डियर भी है, उसे अगर सेंट आ गई तो वो हमारे पीछे पड़ जाएगा। वो जा रहा सामने, पेड़ों के पीछे निकल गया अब वो। चलो अब हम जो है साइड से कट लेते हैं और फटाफट से चलते हैं अपने कैंप की तरफ। अगर उसने हमको पकड़ लिया, द बियर हैज स्पूक्ड योर हॉर्स, When a predator is nearby, your horse gets agitated. Hold L3 to calm it. चलो भाई फटाफट से उसको काम कर देते हैं हम हॉर्स को अपने। हॉर्स से देख करके, हॉर्स ने बियर को देख लिया है और वो नर्वस हो गया था। ओहो, लवली। चलो अब हमने अपना ट्रैक बदल लिया है, अब हम चलते हैं सीधा अपने कैंप की तरफ। Sooner or later, a job's gonna go wrong. Nature of life. I just thought you might have moved on by now. You want me to move on? No. No, not at all. Just know you could run it alone, no problem. I did that. कह रहे हैं हमें इस जगह को भी छोड़ना पड़ेगा, ये जगह ज़्यादा सही नहीं है हमारे रहने के लिए, बहुत ही ज़्यादा ठंडी जगह है ये। I reckon you're okay.
This suits me. Sure, I could fall in with another gang, but Dutch. You know, Dutch is different. Oh, watch it. Oh, yes. डच के बारे में बातें कर रहे हैं. डच डिफरेंट है बाकी सब में, काफी फेयर ट्रीट करता है. डच ब्लैक फादर और इंडियन मदर है, लेकिन तब भी काफी अच्छा उसका जजमेंट है. ट्वेंटी ईयर्स से आर्थर मॉर्गन उसके साथ है. 20 years is a very long time. उसने उसको पढ़ना सिखाया, जॉन को भी पढ़ना सिखाया, हॉर्सेस के बारे में बहुत सारी चीजें सिखाई. डच ने आर्थर को बचाया है, काफी सारे लोगों को बचाया है डच ने. डच एक अच्छा लीडर है. काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब इस गेम का जो सिनेरियो है काफ़ी सही है. ये चलते रहते हैं लेकिन बात करते रहते हैं अपने गैंग मेंबर्स के बारे में, उनके बारे में बताते रहते हैं. तो इससे हमको स्टोरी में एक अच्छा सा ट्विस्ट आता है, एक अच्छा सा इंटरेस्ट आता है हमको. काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस गेम की गाइस. अपने सब मेंबर्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं. ये हॉर्स बॉन्डिंग हमारी इंक्रीज हो गई है. ओह जबरदस्त, हॉर्स बॉन्डिंग इस गेम में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. हेल्थ भी हमारी इंक्रीज हो गई है. यू हैव अनलॉक्ड रियरिंग विद दिस हॉर्स. होल्ड R1 एंड टैप दिस टू स्टेशनरी टू परफॉर्म. ओके फाइन, यस हम पहुंच गए हैं अपने कैंप में. हॉर्स को हम लोग हिच कर देते हैं. ओके हॉर्स को बांध देते हैं हम लोग. चलो अब अपना डियर को उठा लेते हैं फटाफट. यस अब चलते हैं पियर्सन के पास, वो तो खुश हो जाएगा हमको देख करके. काफी सारे फूड आइटम्स ले आए हम लोग उसके साथ, उसके लिए अब काफी सारा खाना मिल जाएगा. यस चलो ड्रॉप कर देते हैं डियर को, टेबल पे ड्रॉप करते हैं. अरे यार तूने क्यों कर दिया टेबल पे ड्रॉप? यार मैं कर रहा था टेबल पे ड्रॉप, अब ये ड्रॉप ही नहीं हो रहा. अब क्या करूं मैं? यहां से ट्राई करते हैं. चलो अरे चल भाई नीचे गिर जा. अरे यार ये क्या है, ड्रॉप तो टीयर ड्रॉप ही नहीं हो रहा भाई. चल यही कर देते हैं जमीन में. यस व्हाट अ सरप्राइज. यो feel like we haven't spoken for days. I do my utmost to avoid. He loves me, really. It's his sad way of showing affection. No, it isn't. Now shoot, get lost. See you gents later. अरे ये तो कोई और बंदा था यार. Charles is a wonder. Have a drink, boys. You earned it. चलो भाई ड्रिंक दे दी. कह रहा भाई तुम लोग डियर लेके आए हो, नेवी रम पियो तुम लोग. जबरदस्त, इतनी ठंड में इन लोगों को गरम गरम चीजें पीनी पड़ती हैं. सही. सही. चलो भाई अब डियर को स्किन करते हुए भी देखेंगे हम. ओके अप्रोच द डियर कार्कस, होल्ड ट्रायंगल टू स्किन द डियर. काफी ज्यादा हार्डकोर है भाई ये गेम. चलो भाई निकाल दिया हमने उसका कार्कस. नॉट टू बैड मिस्टर मोर्गन, नॉट टू बैड. ओके यू ऑलवेज सेड यू वर अ बटचर, यू नो यू कुड ट्रेड दीस और सेल दीस इन प्रीटी मच एनी टाउन इफ यू लुक टू मेक अ लेजिटिमेट बिट ऑफ मनी. ऑफ कोर्स राइट नाउ आई एम जस्ट लुकिंग टू गेट ऑफ दिस माउंटेन अलाइव. वेल इफ यू कैच एनीथिंग एल्स you bring it to me. Sure. Chal bhai. Heck, Arthur Morgan's first decent bit of hunting after all these years. First decent bit of hunting. Everyone's got to do their bit to survive. Just make a good stew. Folk need it. Chalo bhai. Bahut sara khana mil gaya hame. Zabardast. Master Hunter hamara mission unlock ho gaya hai. You have unlocked the Master Hunter challenge.
चेक योर लॉग फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. कंपेंडम हमारा अपडेट हो गया है वाइट टेल डियर के लिए. ऑलराइट, ओके गाइस, हम लोगों ने अपने गैंग की मदद करी, खाना प्रोवाइड कर दिया है हमने, हमारा मिशन कंप्लीट हो गया, द आफ्टरमैथ ऑफ जेनेसिस. सो गाइस, आज के एपिसोड में इतना ही. जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए. गाइस, जुड़े रहिए मुझसे आगे आने वाले एपिसोड्स में, RDR 2 के एपिसोड जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाले हैं गाइस. सो आज के एपिसोड में इतना ही. द नाइल्स कम साइन इन ऑफ.